हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन एजुकेशन एरिना यूट्यूब चैनल खरखोदा। डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग टेंसेस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कई दिनों से टेंसेस सीख रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को सीखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में जानें, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, हम एक एक कन्वर्सेशन के द्वारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, एक कन्वर्सेशन दी है, कन्वर्सेशन रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये एक मिस्टर गुप्ता है और इसके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी है। राहुल इसका बेटा है और सुधा इनके डॉटर है। ये मिस्टर गुप्ता इनके पिता हैं। तो शाम को जब पिताजी ड्यूटी से वापस घर आए, तो बच्चों ने अपने पापा से कहा कि पिताजी, कल जो पड़ोस के गांव में मेला है, क्या हम मेला देखने जाएंगे? तो उस दौरान पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, उस कन्वर्सेशन के माध्यम से हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज किस सिचुएशन में होता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, हमारी जो कन्वर्सेशन है, इसका जो टाइटल है वो है शैल वी गो टू सी द फेयर, क्या हम मेला देखने जाएंगे। राहुल कहता है, शैल वी गो टू सी द फेयर फादर, पिताजी क्या हम मेला देखने जाएंगे। फादर, यस वी शैल गो, हाँ हम जाएंगे। सुधा, फिर बेटी कहती है, व्हेन शैल वी गो, हम कब जाएंगे। फादर, वी शैल गो अर्ली इन द मॉर्निंग, हम प्रातः जल्दी जाएंगे। राहुल, शैल वी गो बाय कार फादर, पिताजी क्या हम कार से जाएंगे। फादर, यस वी शैल गो बाय कार, हाँ हम कार से जाएंगे। राहुल, विच ड्रेस विल यू वियर इन द फेयर। सुधा, राहुल सुधा से कहता है कि तुम मेले में कौन सी पोशाक पहनोगी। सुधा, आई शैल वियर माय मोस्ट फेवरेट ड्रेस, मैं अपनी सबसे पसंदीदा पोशाक पहनूंगी। सुधा, व्हाट विल यू वियर, तुम क्या पहनोगे। राहुल, आई शैल वियर ए व्हाइट शर्ट एंड ए ब्लू जींस, मैं एक सफेद टी शर्ट और एक नीली जींस पहनूंगा। सुधा, व्हाट विल यू बाई फ्रॉम द फेयर, तुम मेले से क्या खरीदोगे। राहुल, आई शैल बाई ए टॉय कार एंड ए डांसिंग बेयर, मैं एक खिलौना कार और एक नाचने वाला भालू खरीदूंगा। राहुल, व्हाट विल यू बाई, तुम क्या खरीदोगी। सुधा, आई शैल बाई ए डॉल, सम बैंगल्स एंड ए पेयर ऑफ इयररिंग्स, मैं एक गुड़िया, कुछ चूड़ियां और एक जोड़े कानों की बालियां खरीदूंगी। राहुल, दैट विल बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा। वी शैल ईट आइसक्रीम टू, तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कन्वर्सेशन के बाद हमने पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनेट एक ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जो आने वाले टाइम में कंप्लीट होगी, जिसके बारे में प्लान तो नाउ मींस अब फ्यूचर में बनी है, लेकिन एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगी, आने वाले टाइम में होगी। दूसरा हमने जाना डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज होता है। हमने जाना कि इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, तो हमने शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, और हमने देखा कि हमारी कन्वर्सेशन का जो एक्शन, जो वर्ब की क्रिया थी, उसके अंत में गा गे गी यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये हमारी जो कन्वर्सेशन थी, ये कन्वर्सेशन हमारी थी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड। और अब आइए हम इनको कुछ एग्जांपल के द्वारा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट एंड विल टेक प्लेस इन कमिंग टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज उस सिचुएशन में होता है जब कोई एक्शन वर्तमान में न होकर के फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो कंप्लीट होगी, या एक्शन हम कहें वो फ्यूचर में होगी। प्लान तो प्रेजेंट में बन रही है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक्शन जो है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में होगा। और इसकी खास बात ये भी होती है कि जो स्पीकर होता है उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता कि वो एक्शन हो या ना भी हो। मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, कल हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए क्रिकेट खेलेंगे वो पक्का नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो एक्शन ना भी हो। तो ये स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका होगा। और हमने यहाँ पर इस कन्वर्सेशन के माध्यम से देखा, जाना और समझा कि जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में गा गेगी पाया जाता है। अब बात आती है डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पर लिखा कि सेल किसके साथ आएगा और विल किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट आई के साथ और वी के साथ सेल, आई सेल वी सेल, और सब्जेक्ट ही से इट यू दे कोई भी प्लुरल नाउन है उसके साथ विल का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट इसके बाद सेल विल, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ सेल, अदरवाइज बाकी जितने भी आपका सब्जेक्ट है चाहे वो ही है सी है इट है यू है दे, उसके साथ विल का यूज होगा, वी वन और इसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सेल सब्जेक्ट शैल विल के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेल विल सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद वी वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव साइन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सेल विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। तो डियर स्टूडेंट्स ये था फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर। और यहां पर जो कन्वर्सेशन थी वहां भी स्टूडेंट्स हमने देखा कि जहां भी इंटरोगेटिव सेंटेंस था वहां पर जो है वो पर्सन पूछने का कार्य हुआ था। यहां पर देखिए शैल वी गो बाय कार फादर, व्हेन शैल वी गो, डियर स्टूडेंट्स यदि वो डब्ल्यू एच से है कोई भी तो डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, जैसे व्हेन शैल वी गो हम कब जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी कन्वर्सेशन जो थी ये पूरा एक कंक्लूजन था, एक निष्कर्ष था फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वे कल क्रिकेट खेलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, वे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हुआ नोट आया। विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आए डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, ये हमारा इंटरोगेटिव भी हुआ और नेगेटिव भी सेंटेंस हुआ। व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो, डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारा हुआ डब्ल्यू एच वर्ड से। व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो, वे कल क्रिकेट कब खेलेंगे। वे शैल बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम एक नई कार नई बाइक खरीदेंगे। वे शैल नॉट बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट वीक, ये नेगेटिव है स्टूडेंट्स, हम अगले सप्ताह नई बाइक नहीं खरीदेंगे। शैल वी बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले सप्ताह एक नई बाइक खरीदेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, बहुत ही इजी टेंस है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज होता है, और बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हों चाहे वो ही है सी है इट है यू है दे है कोई भी प्लुरल नाउन, उसके साथ विल का यूज होता है। होप स्टूडेंट्स
क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।